हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 पे और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए हम लोग इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया हुआ है टैन एक्स प्लस का टैन 2x प्लस का टैन 3x इक्वल टू में 0। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग टैन एक्स और प्लस टैन 2x को ऐसे ही रहने देते हैं, टैन 3x में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे टैन एक्स प्लस का 2x कर सकते हैं इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टैन ए प्लस बी इक्वल टू में होता है टैन ए प्लस का टैन बी बाई में 1 माइनस का टैन ए इंटू में टैन बी। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं टैन एक्स प्लस का टैन 2x प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन एक्स प्लस का टेन 2x बाई में 1 माइनस का टेन एक्स इंटू में टेन 2x इक्वल टू 0। ये दोनों हम लोग एक ही साथ लेके चलते हैं, तो अब इन दोनों में कॉमन कुछ आपको दिख रहा है जी, कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन है जी, टेन एक्स प्लस का टेन 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा और प्लस 1 बाई 1 माइनस का टेन एक्स इंटू में टेन 2x, क्लियर है, और इक्वल टू में 0। अब अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आगे। अब टेन एक्स प्लस का टेन 2x, ठीक है, अंदर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का टेन एक्स टेन 2x इक्वल टू 0 है तो 0 है अंदर। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन 2x प्लस का 1, ये डिवाइड वाला उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच जाएगा, टेन एक्स प्लस का टेन 2x इंटू में यहाँ 1 ये 2 लिख देते हैं सीधे, 2 माइनस टेन एक्स इंटू में टेन 2x इक्वल टू में 0, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया। अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टेन एक्स प्लस का टेन 2x इक्वल टू 0 और दूसरा ले लेते हैं हम लोग यहाँ 2 माइनस का टेन एक्स टेन 2x इक्वल टू में 0। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ टेन 2x को उधर भेज देते हैं तो टेन एक्स इक्वल टू में माइनस का टेन 2x हो जाएगा। तो अब एक काम करो, यहाँ पर लिख सकते हैं टेन एक्स इक्वल टू में टेन माइनस का 2x, ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टेन माइनस थीटा जो होता है इक्वल होता है माइनस टेन थीटा के, तो इसीलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब टेन एक्स टेन अल्फा के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा यानी कि माइनस का 2x, ये आपके इधर आ जाएगा तो 3x इक्वल टू में एन पाई, यहाँ एन किससे बिलोंग करता है इंटीजर से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू में हो जाएगा एन पाई बाई 3 एन बिलोंग्स टू जेड। इसके लिए अब देखते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का टेन एक्स टेन 2x इक्वल टू में माइनस का 2, माइनस माइनस हटा देते हैं, टेन एक्स इंटू टेन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 टेन एक्स बाई में 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 है तो 2 से 2 ये काट देते हैं, 1 बचेगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स और ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1 बाई 2 ना जी। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में इसे 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, हम लोग टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में यहाँ टेन स्क्वायर अल्फा लिख देते हैं और यहाँ लिख देंगे कि वेयर 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 टेन अल्फा इक्वल टू में 1 बाई रूट 2 और ये भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू में टेन इनवर्स 1 बाई रूट 2। चलिए तो यहाँ पे इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा और यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई रूट 2 एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपके दोनों हो सकते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख